What's up, buddy? Welcome back to another vlog. So, Jai Mata Di, let's rock. How's the Josh, guys? आज तो फुल ऑन पावरफुल जोश के साथ रेडी हो चुका हूँ और अभी वक्त हो गया है 3:40 यानी कि 4:15 हो चुके हैं और सारे भाई लोग मैं सब कुछ रेडी हो चुका है लेकिन आज बाइक रेडी नहीं होगी। आज से कुछ 15-16 दिन के लिए बाइक को मिलेगा आराम क्योंकि इस बार की जो ट्रिप होगी वो होगी धमाकेदार अल्टीमेट सुपर डुपर एडवेंचर। आपको मजा बहुत ही आने वाला है और इस बार मतलब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार बाइक नहीं है, ना है अपनी हायाबुसा, ना है अपनी 390 एडवेंचर और ना ही अपनी पल्सर 220। तो इस बार की ट्रिप बाइक मतलब कैसे, कहाँ, कैसे होगी, किस पे जाएंगे, किस पे सवार होंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा डायलॉग है, वो कहते हैं ना बिग डैडी बड़ी माँ, नहीं बड़े बाप। डायलॉग सुनकर तो कैसा लगा आपको और ऐसे सुनकर तो आपको पता लग ही चुका होगा कि किस मूवी का ये डायलॉग है। तो बस आज हम बिग डैडी पे सवार होंगे और नहीं, अभी ज्यादा सस्पेंस नहीं खोलते कि क्या है वो बिग डैडी, तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए, सामान ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या सामान मैंने लिया। जैसे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो बैग है इस बार, सिर्फ दो बैग है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए सामान भी आपको दिखा देंगे किस तरीके का सामान है और बहुत ही जल्द घर से निकलने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे अपनी हर मतलब जब पिछले साल 2021 में जब ट्रिप स्टार्ट की थी तो आपको पता होगा मैंने वीडियो स्टार्ट कहाँ से किया था। तो चलिए सबसे पहले अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं। गाइज यहाँ पे सारे भाई लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तीन कार है, दो फॉर्चुनर, एक इसुजू और यहाँ पे तीन बाइक्स GS, ये भी GS ही है वैसे, नहीं ये R है, सॉरी ये R है, दोनों GS। और देख लो तीन बाइक्स तीन कार, मतलब इस बार तो भाई साहब अल्टीमेट एडवेंचर धमाकेदार, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। और यहाँ पे देख आप देख सकते हैं सारी तैयारियाँ हो रही है, ऑलरेडी सब सामान लोड हो चुका है। मतलब क्या कहूँ यार इस बार की ट्रिप के लिए तो भाई साहब, और देखो यहाँ पे स्टिकर भी लगाया जा रहा है ले लद्दाख, और यहाँ पे सारे भाई लोग जो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे लोड कर रहे हैं। इस बार के ट्रिप के लिए तो गाइस यार मतलब बहुत ही एक्साइटेड, बहुत बहुत एक्साइटेड, क्योंकि यार पिछले साल मतलब 2021 में तो मैं और सिर्फ तेज भाई गए थे, लेकिन इस बार तो मतलब देख लो भाई ही भाई है सब, करीबन मतलब 11-12 मेंबर्स है और तीन कार है, तीन बाइक्स है यहाँ पे, अपने हर पिछले साल की तरह अपने तेज भाई अपने इंजिन। और गाइस सच को यार मतलब अल्टीमेट यहाँ पे आप देखो तीनों बाइक्स और यहाँ पे अपने दीपक भाई जो रेडी हो गए हैं। दीपक भाई कैसा लग रहा है इस बार? बहुत मजा आ रहा है ना, इस बार तो मजा आने वाला है, तीन कार तीन बाइक एक साथ, धमाका। और इस बार तो रूट भी अलग है और मतलब जाने वाले हैं जबरदस्त, स्टोरी डाल रहे हैं तो बस मतलब वेट एंड वॉच, मजा बहुत आने वाला है, क्या कहूँ यार बहुत एक्साइटेड। चले सारा सामान वैसे ऑलरेडी लोड हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत सब तैयार कर रही है तो देखो आगे होता है क्या। और ये रही बीच में मतलब तीनों ही है बिग डैडी बड़े बाप देखो भाई चलिए मज़ा बहुत आने वाला है। और अरे यार इसी के साथ साथ देखो भाई धमाका होने वाला है, तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से फटाफट से, मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए आज की ट्रिप का जो मजा है वो कुछ अलग ही आ रहा है, क्योंकि ना बारिश का टेंशन है, ना कुछ गीले होने का टेंशन, ना आपने तो गोप्रो देखो यहाँ पे गोप्रो है तो गोप्रो का भी टेंशन नहीं है। और पिछले साल की तरह मतलब 2021 की तरह अपने इंजन अपने बाजू में है, जो आपको पता है ज़्यादा बोलते नहीं, सिर्फ बढ़िया सी स्माइल देंगे लेकिन इस बार बोलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो क्या भाई थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, तो एक साल हो गया तो अब तो सेट हो जाएंगे। और पीछे में पवन भाई, और इस बार की ट्रिप में मतलब आपको बढ़िया बढ़िया फुटेज, बड़ा बढ़िया वीडियो देखने के मिलेगा, क्योंकि भाई
क्या होता है कि पिछले साल तो भाई मतलब इतना सब कुछ पहना होता है कि यार उतरो शूट करो फोटो खींचो, मतलब दिक्कत होती है। इससे अच्छा है कार में देखो आराम से, ना भीगने का टेंशन ना कुछ नहीं, तेज में बढ़िया सी कार चला रहे, मतलब मज़ा आने वाला है। इस बार अल्टीमेट एडवेंचर भी होगा और काफ़ी सारे मेंबर्स भाई लोग हैं तो मतलब आपको पता है मज़ा और दुगना चौगना हो जाता है। तो बस एंजॉय करो आज की ट्रिप, आज की राइड, कार राइड, तीन बाइक तीन कार, मज़ा बहुत आने वाला है आज, बिना टेंशन अल्टीमेट। यहाँ पे पहला होल्ड चाय पीने के लिए, सारे भाई लोग मक्खन सिंह का डाला, मक्खन मक्खन सिंह हाईवे हाईवे चित्तौड़ ये रोड सारो जे मैं हावड़े लू जाए खबर ना थी पण सांभळो। आगे अपना सेकंड होल्ड होटल किंगफिशर और यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया जाएगा, लेकिन सोच रहे हैं कि जितना नाश्ता यहाँ पे हो उतना कर ले और जितनी बाइक और कार खींचनी उतनी खींच ले, मतलब एक से दो बजे तक जितना रास्ता कटता हो काट लेंगे, मतलब जैसे ही पिछले साल किया था कि जितना हो सके उतना रास्ता काटे तो अच्छा है, क्योंकि बारिश का कुछ ठिकाना नहीं है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारे राइडर्स हैं उनको कुछ दिक्कत तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे बाइक और तीन बाइक के साथ साथ अभी फिलहाल एक बाइक भी जुड़ चुकी है, वो है हार्ले डेविडसन फैट बॉय। तो एक और राइडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश भाई। तो सारे राइडर्स से भी मुलाकात आपको करवाएंगे, वो दोपहर में करवाएंगे जब खाना खाने बैठेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे होटल किंगफिशर का बढ़िया सा नाश्ता चल रहा है। क्या नाश्ता चल रहा है, ढोकला वोकला सब कुछ चल रहा है, गुजराती है तो गुजराती खाना, मतलब गुजराती एटले ढोकला फाफड़ा जलेबी ने हांडवा। और बाहर का नज़र आपको दिखाऊं, वैसे भी देखो बारिश के मौसम में जो बाहर का नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो ये देखो बाहर का नज़ारा, अभी हम मतलब उदयपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो अब देखते हैं एक दो बजे तक कहां तक पहुंचते हैं। और देखो भाई सच कहूं, अगर आपको कोई भी ट्रिप करनी हो चाहे बाइक पर हो या कार पर हो, तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, रूट देखना पड़ता है, रोड देखना पड़ता है, कैसा वेदर चल रहा है, क्या मौसम है, सब कुछ देखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ट्रिप पे जाना, सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बस ऐसा नहीं है सामान उठाया और निकल पड़े, बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो बस प्रिपरेशन मतलब सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है यार, ऐसा नहीं है कि निकल पड़े। और यहाँ पे होटल किंगफिशर पे करेंगे बढ़िया सा नाश्ता, और मतलब जितना पेट भर ले उतना अच्छा है, पेट पूजा तो बढ़िया सी करनी है। हमारा गुजराती मित्रों हमें पढ़ यार प्लीज़ वीडियो ने सपोर्ट कर दो, अपने चैनल ने सपोर्ट कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो, ने हमारा बधा मित्रों ने भी अपनी जो वीडियो है अपना जो वीडियो है शेयर कर दो। एंड प्लीज़ यार आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि इस बार तो बढ़िया बढ़िया सिनेमेटिक शॉट मैं ले रहा हूँ, जितना हो सके उतना वीडियो इस बार खूबसूरत बनाने की कोशिश मैं पूरी करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करने हैं, और ताकि हम इससे बड़े बड़े और धमाके करें और बढ़िया बढ़िया ट्रिप आप लोगों के लिए करूं मैं, करते रहे बस यार प्लीज़ सपोर्ट। तो चलिए नाश्ता करते हैं, बढ़िया सी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, मेहनत बहुत लग रही है, प्लीज़ सपोर्ट।
अपनी पहली टनल, अपनी ट्रिप की पहले डे की पहली टनल, विजिट द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक्स अगेन। पहली टनल ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। आपने पहली वक्त टनल जो है वो जो है ना, एक बार जो है ना खुश थी जी है ना, खबर तो पड़ी जाए ना कि भाई अभी टनल चालू थी गई, आप एम लागे कि हाँ जो पहली बार आया ना ओ टनल आएगा टनल आएगा। इतने क्या रोमांस भरे गाने सुना रहे हो, क्लासिकल गाना सुनो मजा करोगे। अरे अभी गाने सुनना बाद में, पहले डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वहां जाके फिर बढ़िया एंजॉय भी करना है ना। पहुंच रहे फटाफट पहुंच रहे, तुम्हारा पाचड़ स्टेचू बस बस तो पाचड़ पाचड़ जाता फटाफट दबा होता अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची जी। तुम्हारा पाचड़ चेक चेक ओके ओके चलो डन। तो लो ये आ गया हमारा एक और होल्ड, और यहाँ पे होल्ड के साथ साथ सारे जो मतलब जो भी जैकेट्स है और सब कुछ सुखाया जा रहा है। देखो मतलब भाई ट्रिप कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। ये देखो यहाँ पे सब कुछ सुखाया जा रहा है, यहाँ पे शूज़ भी रखे हुए, ये देखो सब कुछ यहाँ पे सुखाया गया, देखो सब कुछ गीला हो गया बारिश की वजह से, और बाकी सारे लाइटर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिसमें आपको किंग फिशर ऑर्डर पर बताया था कि ये फैट बॉय है, सॉरी ये फैट बॉय नहीं है, ये है हेरिटेज सॉफ्टटेल, मतलब फैट बॉय से एक लेवल अप होता है हेरिटेज सॉफ्टटेल। और यहाँ पे दीपक भाई को पूछते हैं, दीपक भाई कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, पूरे गीले हो गए, बहुत मीन्स एटमोसफियर भी बहुत गर्म है अभी गर्म है, लेकिन बीच में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी बारिश की वजह से गीले थोड़ा अभी तो थोड़ा मतलब अच्छा खुला आसमान हो चुका है, और यहाँ पे सब कुछ सुखाया जा रहा है अभी तो, है ना। हाँ अभी सब जो गीला हुआ अच्छा है, थोड़ा बहुत अगर सूख जाता तो अच्छा है, थोड़ा सा मतलब बॉडी को भी थोड़ा मतलब लेकिन फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाता है गर्मी की वजह से, और सब गीला भी होता है, गीला रहता है तो थोड़ा ये हो जाता है, खुजली मतलब इचिंग और खुजली हो जाता है ना। और देखो मतलब यार ट्रिप करना इतना आसान नहीं है भाई, लोग बोलते हैं हम भी निकल जाएंगे, हम मिलेंगे, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, कई लोग प्रिपरेशन करना यस कई लोग तो मतलब बीच में ही दम तोड़ देते हैं कि भाई नहीं होगा हमसे, इतना आसान नहीं है। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता दोबारा होगा। पवन भाई भी देखो हम तो आराम से आज गाड़ी में है तो काफ़ी आराम से, इन लोग गर्मी में बैठ के आ रहे हैं, हम लोग ठंडी में आ रहे हैं लेकिन गाड़ी में बैठ के ठंडक का मज़ा ले रहे हैं, ये कुदरती ठंडक का मज़ा ले रहे हैं। चलिए चलिए सब कुछ भाई चलता रहता है ऐसे तरह सही, बस यहाँ पे सब कुछ सुखा जा रहा है, जूते जो भी है जैकेट वैकेट सब यहाँ पे है। ये है हेरिटेज सॉफ्टटेल नॉट फैट बॉय बाइक, सारे राइडर्स यहाँ पे थोड़ा सा चिलअप हो रहे हैं मस्त बढ़िया से। अरे भाई भी देखो मतलब सब देखो भाई पूरा पूरा गीले हो गए, देखो अभी तो सूख गए अच्छा है लेकिन गीले तो हो गए, तो एक बार तो देखो यार इतना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। चले यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ से भी निकलेंगे और फाइनल डेस्टिनेशन पे। चलिए ये देखो गाइज आज ट्रिप के पहला दिन, और यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया, आगे ब्लास्टिंग चल रही है, कुछ काम चल रहा है, और यहाँ पे देखो सारा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है, मतलब पहले ही दिन। ये देखो गाइज अभी जस्ट वहाँ पे ब्लास्ट किया गया है, और ये सब शायद यहाँ पे ये सब काम ही चल रहा है, ये देखो, और अभी वहाँ पे यहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ है तो उसी की वजह से ये रोड ब्लॉक किया गया है। ये देखो
भाई जितना भरू से जयपुर आने में नहीं थक गए उतना तो हम सिटी में थक गए, मतलब जैसे तैसे करके पहुंच गए होटल और अभी है अपना रूम और यहाँ पे देखो सर्विस। पवन भाई कैसा रहा? जबरदस्त, मजा आ गया एकदम। लेकिन सिटी में थका, सिटी में बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, मतलब थक गए। और यहाँ पे फटाफट सब कुछ देखो वॉकी टॉकी जो भी सारा सामान है वो फटाफट चार्जिंग पे लगा दिया है। मैं भी अभी अभी काम लेके बैठूंगा लेकिन थोड़ा पहले रेस्ट लूंगा, उसके बाद जो भी होगा मतलब खाना वाना खाएंगे क्योंकि आज ठीक से कुछ ढंग से कुछ खाना नहीं खाया है, जो मतलब हैवी होना चाहिए कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बस हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता सब चला लिया है फटाफट से क्योंकि बस। लेकिन रास्ते में आज है ना होल्ड कुछ ज्यादा ही हो गया तो उसकी वजह से आने में थोड़ा लेट हो गया, वरना अगर होल्ड कम लेते हैं तो वक्त पे आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब थक गए गाइस, बाइक पे भी थकान होती है, कार में भी थकान होती है, ऐसा नहीं कि कार में थकान नहीं होती, बैठे बैठे थक जाते हैं, थोड़ा सा बैक पेन, लेकिन बैक पेन नहीं हुआ है लेकिन थकावट तो होती है यार, थक जाते हैं। लेकिन बस फ्रेश हुए मस्त बढ़िया से यार, रिलैक्स हुआ रूम पे जैसे पड़े से रिलैक्स हो गया, चलो पहुंच गए। दोबारा कल वही दिन शुरू होगा, अभी देखते हैं अभी का क्या प्लान होता है। सारे भाई लोग बैठेंगे आराम से, बातचीत होगी, कुछ गप्पे सप्पे लगाएंगे, मैं करूंगा अपना काम, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, भाई एडिटिंग मैं भी करने बैठूंगा, डेटा ट्रांसफर करेंगे, सब कुछ होगा, देखते रहो मत।